लो जी दिन की शुरुआत। वेलकम बैक टू द चैनल मोटू बैठा डैडा के साथ शेल्फ पे। यहाँ पर चाय बन रही है और मम्मा जस्ट अभी उठी है, यानी शिवाना की मम्मा, क्योंकि हम लोगों ने अभी जाना है कहीं पे मार्केट। करो बेटा सौंफ निकाल ली बेटा, नो कैसे निकल गई, रुक जाओ पहले, बस यहाँ बैठ के छेड़खानियाँ करनी है। तेल ले लिया, घी ले लिया, बस बेटा अगर ये खुल गया ना दिया बहुत नुकसान हो जाएगा बेटा। कैसे कैसे बचाऊं मैं सब कुछ। हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गाड़ी से आपको दिख रही हूँ कि शिवाना के स्लाइड व्लाइड सभी है। एक्चुअली घर में कोई नहीं है और हम शिवाना को मम्मी के घर छोड़ने आए क्योंकि हमने जाना है सदर, आपको जैसे बताया था, तो उसकी स्लाइड भी रखनी है। हनी गया शिवाना को छोड़ने, गोलू आ रहा है, बस गोलू के हाथ में मैं स्लाइड भिजवा रही हूँ मम्मी के घर। घर पर फिलहाल कोई नहीं था तो हम ऑस्टिन को भी लाए, बट घर से फ़ोन आ गया कि ऑस्टिन को आप छोड़ सकते, मतलब ऑस्टिन को वापस घर छोड़। सो शिवाना को छोड़ दिया, कोमल आ रही है, गोलू ये रहा, हनी जा रहा है यहाँ अमृतसरी कुलचा लेने। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो हमारे ये खुला हुआ हमने अभी तक ट्राई नहीं किया, तो कोमल कह रही है मैं भी खाऊंगी, तो एक एक सिंगल ले रहे हैं तीनों का अलग अलग। चलो टेस्ट करते हैं कैसा है। मैंने इसको चश्मा देख, भाभी कुछ चश्मे सूट नहीं करते और इतनी देर से खोल ही नहीं रहा है भाई, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। आ गए हमारे कुलचे, हमने एक ही प्लेट ली है, ये मैडम आ गई है, खाने के टाइम पहुंच जाती है। चलिए खाते हैं फटाफट और रिव्यू देते हैं। भाई मैं सौदा इकट्ठा करता रहता हूँ, बताओ कैसे हैं भाई। ये न्यू शॉप खुली है हमारे यहाँ पर ना, टेस्टी है, क्रिस्पी है, तो मैंने बोल के कराया। गाइस धूप में सबसे ज्यादा मजा होता है आइसक्रीम का, पहुँचे वाले 10 मिनट में हो गया, हो गया पेमेंट हो गई। चलिए चले और एंजॉय करें, ये तो नहीं खाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं सदर और हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गाड़ी लगा दी अपनी, और ये भाई भी जा रहा है, और यहाँ से गाड़ी ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि जगह ही नहीं होती गाड़ी ले जाने की, इसलिए हम लोग सब जा रहे हैं बैटरी के अंदर। तो जी अभी शॉपिंग जारी है और ये है भाई, बिल्कुल समझ लो जिसने यहाँ सरवाइव कर लिया और दिल्ली में कहीं भी कर सकता है सरवाइव। भाई देख लो मौसम एकदम बिगड़ने वाला है, पूरा अंधेरा सा हो गया, और लेकिन अभी हमें बहुत मतलब वापस जाने के लिए भी बहुत देर है, और अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो इतनी भीड़ में कहाँ जाएंगे। तो जी जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन गोलू की शॉपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, और हमने शिवाना और ऑस्टिन के लिए सामान भी खरीदा है, वो हम आपको घर जाके दिखाएंगे क्या क्या लिया है हमने। और गोलू कुछ लेने गया है और बस इसके बाद ई रिक्शा लेंगे और भागेंगे यहाँ से क्योंकि बारिश बिल्कुल तेज़ हो गई है। अब भाई सामान वामान लेके बारिश में ऐसे भाग रहे हैं ना हम फटाफट ताकि हम पहुंचे, बट इतनी दूर है ना अभी भी यहाँ से, बहुत मजा आया था, मजा तो अब नहीं आएगी लेकिन विशाली दोबारा सदर कभी आज आ गई एक बार, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। ओके गाइस तो सामान वामान आ गया है, ये सब एक्स्ट्रा सामान है कंजकों का, मम्मी ने बोला था मगे डब्बे ले लियो, और कुछ उससे आने के लिए हमें टॉय दिखा एक वो ले लिया, कोमल का भी थोड़ा सा सामान था वो ले लिया, ये फालतू आया था। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, मौसम बहुत अच्छा हो गया, पर ये बहुत अच्छी चीज़ हुई बिल्कुल, हमने एंड में गाड़ी बैटरी ली और हम पहुंच गए अपनी पार्किंग तक, और गाड़ी तक जा रहे हैं, कुछ खाना है, बहुत भूख लग रही है। तो पास में ही था जैसे कि बहुत फेमस जंतर मंतर का डोसा, कुटीज डोसा, तो अब हम खाएंगे डोसा, और ये बड़ा देसी और बड़ा अच्छा, देख लो भीड़ देख लो, सब खाली पड़े से इसी का भीड़ होती है। भाई ये देख लो मौसम के हिसाब से दिखा दिया, मेरे हिसाब से तो मस्त है यार ये डिश मौसम के हिसाब से, और भूख भी इतनी लग रही है हमें, सभी डोसा खा रहे, कुछ तो अलग ले लेते।
सो गाइज मैं आप लोगों को वैसाखी विश करना भूल गई थी, इसलिए सबको वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरे पापा ऑफिस से अपने पगड़ी बांध के आए थे, कोई बांध रहा था वहाँ पे तो बंधवा के आए थे, तो डांस करके दिखा रहे हैं हमें। गाइज अब मैं कुछ सामान लेके आई थी, उसमें से कुछ सामान तो सिवाना का, ये टॉयलेट पुश, ये वॉकर है चलने वाला, इसमें बैठ भी सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ है ये। और ये कुछ 100 रुपए के ऐसे सेल से खिलौने लाए थे, इसको इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बजा रही है ये। तो जी क्योंकि आज वैसाखी है तो हम लोग और मतलब हमारा पूरा ग्रुप सब लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब मथा टेकने के लिए। एक गाड़ी वो जा रही है आगे, एक मैं और गोलू हैं, और बाकी पीछे एक और गाड़ी में विशाली सिवाना वगैरह उधर ही है। तो आपको मिलता है डायरेक्टली बंगला साहिब। गाइस हम लोग कहाँ आ गए हैं, सिवानू कहाँ है, मम्मा कहाँ है, सिवानू नहीं देखेंगे। तो जी ऑस्टू के पास आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले ऑस्टू को सुसु कराना है और बचा हुआ सामान गाड़ी से उठाना है। और फिलहाल बज रहे हैं 3 रात के, क्योंकि हम लोग चले गए थे गुरुद्वारा बंगला साहिब, आप लोगों को दिखाया था, फिर कुछ खाना था खा पी के सबको ड्रॉप ड्रूप कर करके अब हम आए हैं घर। और बस ऑस्टू को सुसु करा के सामान उठा के ऊपर चलता हूँ। हाँ जी, तो गाइस अब 3:15 हो गए और हमें सब कुछ अब वाइंड अप करना है, सारा सामान बिखरा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक करना है, बच्चों को भी सेटल करना है, खुद भी सेटल होना है, और नींद भी आ रही है, थकान हो गई है। थैंक यू फॉर बेयरिंग अस ये व्लॉग देखने के लिए, थैंक यू, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, कल का व्लॉग भी देखना, बाय बाय, टेक केयर। ओके गाइस, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने सिवाना को स्ट्रोक कैसे सिखाई, तो देखो वैसे तो मैंने कोई बड़े स्टेप्स नहीं लिए, बट अगर आप बच्चों को टाइमली 6 महीने का 8 महीने का स्ट्रॉ पकड़ा दोगे तो वो इनिशियली तो नहीं पीता, लेकिन वो टाइम से सीख जाता है इसको सक करना। बट मैं आपको दिखाती हूँ, मम्पी के दिखा दो, मम्पी लो, देखो अभी इसको सक करना आ गया है कि कैसे करते हैं। बट अगर आपने इनिशियली सिखाना है तो मैं आपको बताती हूँ, आप कोई भी पेपर स्ट्रॉ या सिलिकॉन या प्लास्टिक स्ट्रॉ आपने ऐसे करना है, पानी इसमें आएगा और आपने ऐसे सिखाना है, ऐसे बच्चों को सिखाना है, ठीक है, ताकि बच्चे को ना आए, ऐसे ऐसे सिखाओगे और फिर आप उसको दोगे तो फिर उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी तो इसको ये ड्रामा शुरू हो गया है, बट बच्चा फिर अपने आप सीखेगा। आपको इनिशियली इसको ऐसे ही स्ट्रॉ से सिखाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो से क्लियर नहीं होगा तो यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो है कि आप टॉडलर को या अपने इन्फेंट को कैसे स्ट्रॉ से पिलाना सिखा सकते। हाँ जी, तो गाइज अब 3:15 हो गए और हमें सब कुछ अब वाइंड अप करना है, सारा सामान बिखरा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक करना है, बच्चों को भी सेटल करना है, खुद भी सेटल होना है, और नींद भी आ रही है, थकान हो गई है। थैंक यू फॉर बेयरिंग अस ये व्लॉग देखने के लिए, थैंक यू, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, कल का व्लॉग भी देखना, बाय बाय, टेक केयर।